नौजवानों को रोजगार दिया तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य आज गरीब आदमी अस्पताल चले जाइए तो भाजपा की सरकार 100 रुपए खर्चा करता है, दवाई बहुत महंगी है। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 1 रुपए का पर्चा बनता था, 1 रुपया भी न लगने पाए। इसलिए आज हम नेताजी को याद करते हैं कि नेताजी को गरीब की चिंता थी, नेताजी को किसान की चिंता थी, नेताजी को नौजवान की चिंता थी, नेताजी को वृद्ध लोगों की चिंता थी, हर वर्ग की चिंता थी कि हर वर्ग कैसे तरक्की के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है। हम नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया भाई हमारे पार्षद सोनू यादव जी ने, यहाँ पर हमारे अनिल मिश्रा जी, रवि यादव, बम्बम जी और सारे हमारे प्रजापति जी, भानु भाई, सारे हमारे मीडिया के साथी मौजूद हैं। हम आप सबका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और सोनू भाई को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करके जो हमारी मातृशक्ति का आदर और सम्मान किया है, निश्चित रूप से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। धरती पुत्र, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों, किसानों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों, पिछड़ों, दलितों, मजलूमों,
सबके नेता परम श्रद्धे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आज प्रथम पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पार्षद सोनू यादव जी द्वारा महिला वृद्धा आश्रम में यहाँ पर रहने वाली जो हमारी महिला जो माँ के समान हैं सबको साड़ी वितरित की गई, भोजन दिया गया, पानी दिया गया। सभी हमारी उपस्थित यहाँ पर माताओं ने नेताजी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज हम सब नेताजी को प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ की पूज्य महंत जी और सारी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं सब मौजूद हैं। नेताजी ही थे जिन्होंने हमारी बेटियों को कन्या विद्याधन देना, बहन बेटियों को लैपटॉप देना, बहन बेटियों को सरकारी नौकरी में अवसर देना, राजनीति में अवसर देना, तो नेताजी ने बहुत काम किया था। तो आज नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने वृद्धा आश्रम आकर साड़ी भोजन सब वितरित किया है और माताओं से दुआएं मांगी हैं कि जो नेताजी का बताया गया रास्ता था, जो नेताजी का समाजवाद था, हमारी माताएं आशीर्वाद दें, दुआएं दें कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को इतनी ताकत दें कि वो नेताजी के बताए गए रास्ते पर चलें, जुल्म अत्याचार महंगाई भय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें और आने वाले समय में इस देश और प्रदेश की कमान संभालें। यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सत सत नमन विनम श्रद्धांजलि। ये वृद्ध महिला आश्रम है नया काटा अयोध्या में श्रावण कुंज मंदिर में चल रहा है। 2010 से हमारा वृद्धा आश्रम चल रहा है। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है। इसमें सपा के सभी कार्यकर्ता और पवन पांडे जी यहाँ पे आकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और उनका सभी लोग, बहुत सारे लोग आए थे उनकी सपा से और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और हम भी सादर नमन करते हैं और एक चाहते हैं कि जो नेताजी ने किया है उनके पद चिन्हों पर अखिलेश जी करके और सभी को अच्छा कार्य करें। यहाँ पर तो माताओं को साड़ी की ज़रूरत ही रहती है, साड़ी वितरण किया है, भोजन की व्यवस्था करवाई है, तो ये बहुत अच्छा था कि माताएं अपना साड़ी पहनेंगी, भोजन भी करेंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने ये सोचा कि हाँ माताएं यहाँ पे हैं तो इनको वस्त्र देना चाहिए और आज इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था उनके लिए साड़ी देने का। मेरे यहाँ 40 हैं। मीना अवस्थी अधीक्षिका हूँ मैं यहाँ पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।